रामगढ़ जिले के सिद्धू कान्हू मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपायुक्त श्री संदीप सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज का दिन शुभ अवसर होता है कि जब हम पुनः संकल्प लेते हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसका देश, राज्य और जिले में क्या योगदान होगा तथा कैसे हम देश की सेवा में अपने को लगा सकते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष कोरोना वायरस कोरोना महामारी के कारण बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं अन्य रामगढ़ जिले वासी इस समारोह का हिस्सा परंपरागत रूप से बनते हैं, यहाँ उपस्थित रहते हैं, आज वो अपने घर से ही इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उपस्थित रहेंगे, उन सभी को भी इस मंच से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आज का शुभ दिन एक अवसर होता है जब हम पुनः एक बार संकल्प लेते हैं, पुनः इस चीज़ की समीक्षा करते हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसका देश के विकास में, राज्य के विकास में, जहां हम रह रहे हैं जिले के आसपास के क्षेत्र के विकास में क्या योगदान होगा, कैसे हम देश की सेवा में अपने को लगा सकते हैं, उसका आज एक शुभ दिन है। स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय गौरव के समारोह के अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। इस मौके पर सदर अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन हुआ। इस दौरान अलग अलग ग्रुप के कुल 13 यूनिट ब्लड कलेक्ट किए गए। पर्यावरण संतुलन के उद्देश्य से झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एवं गिरिडीह के सांसद ने बीते दिनों जिले के दुलमी में फलदार पौधा रोपण कर विभिन्न जगहों पर सैकड़ों फलदार वृक्ष बांटे। इस कार्यक्रम में जिला परिषद के चेयरमैन सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने मुख्य रूप से शिरकत किया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोकल वोकल के नारे को सशक्त करते हुए इस वर्ष राखी के त्योहार पर शहर सहित दूरवर्ती देहात की कामकाजी महिलाओं ने घरों में ही राखी बनाया। महिलाओं ने अपने इस प्रयास से चाइनीज राखियों के करीब 15 लाख के व्यापार को जिले में ठप कर दिया। कोरोना वायरस के कारण वैश्विक महामारी तथा चीन सीमा विवाद के बीच जो चीन से हमारा तनाव हुआ है और उसके बीच प्रधानमंत्री जी का जो लोकल वोकल का जो नारा दिया गया उसमें यह आह्वान किया गया कि स्वदेशी वस्तुएं ही बनाएं, स्वदेशी वस्तुएं का ही उपयोग करें तथा स्वदेशी वस्तुएं का ही प्रचार प्रसार करें। यह कहावत पूरी तरह से रामगढ़ जिला में 100% चरितार्थ हो रही है। आज रामगढ़ जिला के शहर तो शहर सुदूरवर्ती गाँव की महिलाएँ भी रक्षाबंधन के तैयारी हेतु स्वयं से राखी बनाकर पूरे रामगढ़ जिला के बाजार में उपलब्ध करा रही है। जो खूबसूरत तो है ही, साथ ही साथ अगर उसे आप फेंक दीजिए तो तुरंत नष्ट हो जाती है। इससे प्रकृति को भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि चाइना के द्वारा लगभग प्रति वर्ष 15 लाख का राखी यहाँ पर बिकती थी। आज चाइना का व्यापार यहाँ पूरे जिले में पूरी तरह से राखी का ठप हो चुका है। इसलिए एक तरफ महिलाएं अपना स्वरोजगार कर प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ा ही रही है, दूसरी ओर रामगढ़ जिला की महिलाएं चाइना को मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। न्यूजीलैंड चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है